अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। वालेकुम पिछले सेशन में हमने एग्ज और साइफर पे बात की थी कि किस तरीके से आप एक की को, फॉर एग्जांपल 4 बाइट की है तो उसे आप 1 by 1 जो प्लेन टेक्स्ट है उसके ब्लॉक्स बना के उसे इंक्रिप्ट कर सकते हैं। यानी पहले 4 बाइट्स लेंगे प्लेन टेक्स्ट के, उसे आप एग्जॉर कर दें की के साथ, फिर अगले 4 बाइट लेंगे उसे एग्जॉर कर दें, फिर अगले 4 बाइट लेंगे उसे एग्जॉर कर दें। ठीक है, तो इस अप्रोच में हमने देखा था कि काफ़ी सीरियस इश्यूज थे और इस तरह के साइफर को ब्रेक करना जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े आराम से ब्रेक किया जा सकता है। अगर नॉन प्लेन टेक्स्ट आपको पता है कोई, उसे इस्तेमाल करते हुए आपने अगर ब्रेक करना है तो वो तो बहुत आसान है, और अगर प्लेन टेक्स्ट नहीं पता आपको, सिर्फ साइफर टेक्स्ट ही आपके पास अवेलेबल है, तो इन दैट केस टू आप अजम्पशन लेके कुछ चीज़ें इन्फर करके बड़े आराम से एग्जॉर साइफर को ब्रेक कर सकते हैं। तो आज हमने एक डिफरेंट अप्रोच देखनी है डेस, जो कि एग्जॉर साइफर की वीकनेसेस को एड्रेस करता है। ठीक है, और ये बेसिकली एक सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है। सिमेट्रिक की साइफर होता क्या है? तो पहली बात तो ये है कि सिमेट्रिक की साइफर हर उस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को कहते हैं, हर उस एल्गोरिदम को कहते हैं जो कि एक ही की इस्तेमाल करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, और वही की इस्तेमाल करते हैं साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा साइफर है जो कि सिर्फ एक की इस्तेमाल कर रहा है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन, तो उसे आप सिमेट्रिक की साइफर कहेंगे। और दूसरी बात है कि सिमेट्रिक की साइफर इंक्रिप्शन जो है 2 किस्म की होती है। या तो आपका साइफर स्ट्रीम साइफर होगा। स्ट्रीम साइफर में क्या होता है कि रादर देन एक ब्लॉक ऑफ डेटा इकट्ठे होने के, आप क्या करते हैं कि जूं जूं डेटा आई जाता है आप 1 by 1 उसको इनक्रिप्ट कर ही जाते हैं। ठीक है, और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर में क्या होता है कि आपके पास पूरा डेटा होता है, उसके आप ब्लॉक्स बनाते हैं और फिर ब्लॉक बाय ब्लॉक आप इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस यूज केस अगर आपने देखने तो ब्लॉक साइफर का एग्जाम्पल होगा कि आपके पास एक पूरी फाइल पड़ी हुई है जिसे आप इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसे ब्लॉक्स में स्प्लिट करेंगे और फिर हर ब्लॉक को बारी बारी इंक्रिप्ट करेंगे। और स्ट्रीम साइफर में क्या होगा, उसका एग्जांपल होगा कि आप किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं अब वो इंतज़ार नहीं करेगा कि पहले इतनी बाइट्स कटी हों उसके बाद उसे इंक्रिप्ट करेंगे, नहीं, वो बाइट बाई बाइट उसकी इंक्रिप्शन जो है स्टार्ट कर देगा, जो जो डेटा आई जाएगा वो इंक्रिप्ट करी जाएगा। ठीक है, और ब्लॉक साइफर में एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि ब्लॉक अगर फिक्स्ड ब्लॉक साइजेस हैं तो इन दैट केस, फॉर एग्जांपल 128 बिट्स का अगर ब्लॉक है, तो अब अगर आपके पास इतना डेटा नहीं है कि 128 बिट के ब्लॉक को फुल कर सकें, तो फिर आप पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। पैडिंग का क्या मतलब है कि जितनी बिट्स हैं डेटा की वो तो आप रखें, उसके आगे फिर आप डमी बिट्स ऐड कर देते हैं ताकि टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो एक ब्लॉक साइज जितनी हो जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 128 बिट का ब्लॉक है तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 128 हो जाए। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है सिमेट्रिक की साइफर की और उसके डिफरेंट टाइप्स की। अगला पॉइंट है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करनी है तो उसके लिए आपका एक ब्रॉड लेवल पे क्या गोल होता है जो कि आप मीट करना चाहते हैं। तो पहले तो क्विकली रिकैप कर लें कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती क्या है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपके पास एक डेटा है और आप चाहते हैं कि जिन लोगों को आपने ऑथराइज किया है सिर्फ वही उस डेटा को एक्सेस कर सके, जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है वो डेटा को रीड ना कर सके। ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, और ये अचीव करने के लिए एक ब्रॉड लेवल पे आपका गोल होता है कि आपने एक ऐसा साइफर बनाना है जो कि ओरिजिनल मैसेज जो था उसकी स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को मुकम्मल तौर पर ऑब्सक्योर कर दे या मुकम्मल तौर पर मैसअप कर दे। इस चीज़ का क्या मतलब है कि आप सिंपल एग्जांपल लें कि एग्जॉर साइफर में हमें पता था कि अगर 4 बाइट की है, ठीक है, तो वो 4 बाइट जो है 1 by 1 ब्लॉक को, वो 4 बाइट के साइफर प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करेगी, फिर अगले 4 बाइट के प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करेगी, फिर अगले 4 के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें हो क्या रहा था कि इट वॉज पॉसिबल कि अगर कोई ऐसा इंग्लिश का कैरेक्टर है जो कि बहुत फ्रीक्वेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पेस, वाइट स्पेस,
या फिर वावल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इन दैट केस अगर कोई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है और वो उसी की से बार बार इनक्रिप्ट हो रहा है, तो उससे होता क्या था कि आपका एक ही कोड होगा इनक्रिप्टेड जो कि बार बार आपको नजर आएगा, और उससे आप अंदाजा कर लेंगे कि अगर ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो चांसेस आर कि ये स्पेस कैरेक्टर हो क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है, या चांसेस आर कि ये ई कैरेक्टर हो क्योंकि ई भी बहुत फ्रीक्वेंट है। तो अगर ये चीज आपको पता लग गई है कि ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चांसेस आर के स्पेस है या चांसेस आर के ई है या कोई और फ्रीक्वेंट कैरेक्टर, तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि उसको अब ब्रेक करना बहुत आसान हो जाता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए अब जो भी साइफर बनाएंगे यू वुड वॉन्ट कि वो इस तरह की स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल जो है वो जंबल अप कर दे, ठीक है, और वन टाइम पैड जो है वो इस चीज को अचीव कर लेता है। क्यों? क्योंकि द थिंग इज कि आप एक चीज को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, स्पेस बार कैरेक्टर आया है, स्पेस कैरेक्टर आया है, तो वन टाइम पैड में क्या होगा कि पहले आया है तो किसी और चीज के साथ उसे एक्सोर किया जाएगा, बाद में वही स्पेस कैरेक्टर आया तो अब वो किसी और चीज के साथ एक्सोर हो रहा होगा, बाद में दोबारा स्पेस आए तो अब वो किसी तीसरी वैल्यू के साथ एक्सोर हो रहा होगा, क्योंकि वन टाइम पैड में क्या होता है कि जितनी आपके मैसेज की लेंथ है उतनी ही की लेंथ होती है। एक्सोर साइफर जो हमने देखा था उसमें ऐसे नहीं था, उसमें फिक्स की लेंथ थी और वो बार बार रिपीट होती थी, तो इसलिए उस केस में क्या था कि बार बार एक कैरेक्टर एक ही वैल्यू से एक्सोर होके एक ही आपको आउटपुट देता था, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रॉड लेवल के ऑब्जेक्टिव। अब अगला पॉइंट, हाँ, और अगला पॉइंट है कि अब ये ब्रॉड लेवल गोल जो है ये आप अचीव कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप एक साइफर बनाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल मैसेज की स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल ही जंगल अप करते हैं। तो उसके लिए दो चीजों को आपने अचीव करना होता है, एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपका जो स्टेटिस्टिकल स्ट्रक्चर है प्लेन टेक्स्ट का उसको आप स्प्रेड आउट कर देते हैं। इस तरीके से स्प्रेड आउट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैरेक्टर बहुत फ्रीक्वेंट था तो हर दफा उसका कोई और इनक्रिप्टेड कोड जनरेट हो रहा हो ताकि आपको शक ना हो कि ये वही चीज है। और दूसरी जो चीज के लिए आप एम करते हैं वो होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में क्या होता है कि साइफर टेक्स्ट और की जो है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपने किसी तरीके से इंश्योर करना है कि वो बड़े आराम से आइडेंटिफाई ना हो सके। यानी जब एक्सोर साइफर का मैं एग्जांपल देता हूं तो उसमें आपको एक चीज पता थी कि अगर चार बाइट की है तो दैट मीन्स के प्लेन टेक्स्ट के पहले चार बाइट को उस की के साथ एक्सोर किया जा रहा है, फिर अगली चार बाइट को उस की के साथ एक्सोर किया जा रहा है। आपको यह भी पता था कि पहला जो ब्लॉक है उसकी पहली बिट और की पहली बिट को एक्सोर किया जा रहा है, दूसरा ब्लॉक है उसकी पहली बिट और की पहली बिट को एक्सोर किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको अगर पता लग जाए कि कौन सी बिट किस प्लेन टेक्स्ट, कौन सी की बिट कौन से प्लेन टेक्स्ट बिट के साथ एक्सोर हो रही है, तो उसे ब्रेक करना ज्यादा आसान हो जाता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डिफ्यूजन और कंफ्यूजन आपके साइफर ने अचीव करनी होती है। और कैसे एग्जैक्टली वो अचीव किया जाता है, तो शैनन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क्स का। ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो भी एल्गोरिदम होगा उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन, एक एस बॉक्स होगा या सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, और एस बॉक्स का मकसद क्या होता है कि बेसिकली आपने जो भी बाइट्स हैं उनको किसी और बाइट के साथ रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको मैसेज हेलो दिया है और मैं आपको कहता हूं कि हर कैरेक्टर को आपने उसके बाद एक कैरेक्टर छोड़ के जो दूसरा कैरेक्टर है उससे रिप्लेस करना है, यानी प्लस टू का ऑपरेशन, तो यह सब्स्टिट्यूशन होगी। फॉर एग्जाम्पल एच था तो एच की बजाय जे आ जाएगा, ई था ई की बजाय जी आ जाएगा, एल एल की बजाय एन आ जाएगा और ओ की बजाय क्यों आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि एक कैरेक्टर को आपने किसी और से रिप्लेस कर दिया। और दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो परम्यूटेशन या ट्रांसपोजिशन का होता है, और इसके लिए साइफर के अंदर पी बॉक्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। तो पी बॉक्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी बाइट्स हैं
उनका उनको रीऑर्डर कर देना। यानी अगर हेलो है तो उसको रीऑर्डर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल ई एच एल ओ, यानी ओरिजिनल हेलो को आपने रीऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली शैनन का ये व्यू था कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन दोनों ले आएंगे तो उससे आपकी स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी स्प्रेड आउट हो जाएंगी डॉक्यूमेंट की, और की और साइफर टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन जो है ये फाइस्टल जो साइफर था वो इसको इस्तेमाल करता है, तो आज हमने एक और साइफर देख रहे हैं जो कि फाइस्टल के मॉडल पे ही बेस्ड है और उसका नाम है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या डेस। ठीक है, तो बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें तो डेस क्या करता है, सबसे पहले आपकी जितने भी डेटा है उसको स्प्लिट करेगा इनटू ब्लॉक्स ऑफ साइज 64 बिट्स। अब हर ब्लॉक को वो वन बाय वन इंडिविजुअली एक ब्लॉक को इंक्रिप्ट करेगा, फिर दूसरे ब्लॉक पे जाएगा और उसे इंक्रिप्ट करने के लिए, एक ब्लॉक को इंक्रिप्ट करने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले वो 64 बिट की लेता है, उस की से एक 56 बिट की जनरेट करता है और उस 56 बिट की से वो मल्टीपल सब कीज जनरेट करता है। यानी बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी ब्लॉक है, वो मल्टीपल आइट्रेशंस में इंक्रिप्ट होता है, तो 16 आइट्रेशन होती हैं और हर आइट्रेशन के लिए एक अलग सब की होती है जिसका साइज 48 बिट्स होता है। इसकी हम डिटेल बाद में देखेंगे, अभी ब्रॉड लेवल पे समझ जाएं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो जो भी 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है उसको पहले वो परम्यूट करेगा ताकि उसका ऑर्डर सारा चेंज हो जाए, फिर राउंड वन में सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन होगी यूजिंग सब की वन, फिर उसकी जो आउटपुट होगी वो राउंड टू को फीड की जाएगी और राउंड टू वंस अगेन उसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट और परम्यूट करेगा यूजिंग सब की टू, और इस तरीके से 16 राउंड्स रन किए जाएंगे। उसके बाद जो भी आउटपुट होगी उस पर एक फाइनल परम्यूटेशन रन की जाएगी और उसकी जो आउटपुट है वो आपका 64 बिट साइफर टेक्स्ट होगा जो कि कॉरिस्पॉन्ड कर रहा होगा ओरिजिनल 64 बिट प्लेन टेक्स्ट से। अब एग्जैक्टली की कैसे जनरेट होती है और एग्जैक्टली राउंड के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसमें हम बाद में बात करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, ठीक है, तो पहला फिर सवाल ये आता है कि सब की जनरेट कैसे होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओरिजिनल की लेंगे जो कि 64 बिट्स की है। अब आप इस टेबल के मुताबिक उन 64 बिट्स को जो है परम्यूट करेंगे, उनको रीऑर्डर करेंगे। और इस टेबल को रीड करने का क्या मतलब है, कैसे रीड करना है, तो ये टेबल बेसिकली बता रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल 64 बिट की है उसमें जो 57th बिट है वो बिट परम्यूटेशन के बाद पहली बिट बन जाएगी। यानी आप इसे विजुलाइज अगर करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि लेट सपोज ये आपकी ओरिजिनल की है, अब इसमें जो 57th बिट थी इसकी, ये 57th बिट है, इसमें जो भी वैल्यू है चाहे 0 है चाहे 1 है वो पहली बिट बन जाएगी, किसकी, जो परम्यूटेड की है। सिमिलरली जो 49th बिट है वो 49th बिट किधर आएगी, दूसरी लोकेशन पे, यानी दूसरी जो पोजीशन है, दूसरी जो बिट है ये वैल्यू वहां पे आ जाएगी। और इस तरीके से बेसिकली आप पूरे की पूरी जो 64 बिट की थी उसे परम्यूट कर देते हैं, उसको रीऑर्डर कर देते हैं। यहां पे आप एक और पॉइंट आ जाते हैं कि ये जो अरे है, ये जो टेबल है, इसके अंदर सिर्फ 56 वैल्यूज है। आप काउंट कर लें, इसमें 56 सेल्स हैं, 64 नहीं है। तो इस चीज का क्या मतलब है कि बेसिकली ये एक्चुअली कंप्रेशन भी साथ हो रही है। यानी ओरिजिनल की यहां पर आप डायग्राम में देखें
तो इस डायग्राम में लिखा हुआ है कि की 56 बिट की फीड हो रही है, और टेक्स्ट में मैंने स्पेसिफाई किया है कि ओरिजिनल की 64 बिट की होती है, पर इस 64 बिट की से आप एक 56 बिट की जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो 56 बिट कैसे जनरेट हुए थे, वो ऐसे हुए थे कि आपके जो ओरिजिनल 64 बिट है, पर वो सारी की सारी बिट्स के लिए आपने टेबल में वैल्यू नहीं रखी है, कुछ बिट्स हैं जो कि आपने इग्नोर कर दिए और सिर्फ 56 बिट्स हैं ऑफ द ओरिजिनल की जिनको आप परम्यूटेड की के अंदर इंक्लूड करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो ड्रॉप या इग्नोर हो जाएंगे, वो कंसिडरिंग नहीं होंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है, यानी आप इसे बाद में टेबल को गौर से देख लेना तो कई नंबर होंगे जो कि इसमें मिसिंग होंगे, तो वो बेसिकली आपको बता देगा कि ओरिजिनल की में कौन सी बिट्स थी जो कि आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, अपनी परम्यूटेड की के अंदर उसे शामिल ही नहीं किया। खैर, मूविंग ऑन, अगला भी पार्ट है कि अब आपके पास जो 56 बिट की आ गई है, अब आपने क्या करना है, उसे दो हाफ में स्प्लिट करना है, एक राइट हाफ है जिसमें 28 बिट्स हैं और एक लेफ्ट हाफ है जिसमें 28 बिट्स हैं। फिर आपने क्या करना है, जो राउंड पहला राउंड होगा राउंड वन, उसे आपने क्या करना है कि आर नॉट और एल नॉट जो है, यानी ओरिजिनल जो 56 बिट की है उसका राइट और लेफ्ट हाफ, इन दोनों को लें, फिर इन्हें आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, यानी अगर राउंड वन है तो आपने एक दफा लेफ्ट शिफ्ट करना है, राउंड टू है तो आपने एक दफा लेफ्ट शिफ्ट करना है, थ्री से लेके एट तक राउंड है तो आपने दो दफा लेफ्ट शिफ्ट करना है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेफ्ट शिफ्ट होता क्या है, तो मैं क्विक एग्जांपल दे दूं कि लेट सपोज आपका नंबर 1011 ये बिट्स है, तो इसे अगर आपने एक दफा लेफ्ट शिफ्ट करना है तो क्या होगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, ये वन इधर आ जाएगा, ये वन इधर आ जाएगा, और ये वन जो है ये इस एंड पे आ जाएगा। तो अगर एक दफा लेफ्ट शिफ्ट किया है तो आपको 0111 आ जाएगा। अब अगर दो दफा लेफ्ट शिफ्ट करना था आपने, तो इसके बाद आपको दोबारा लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी ये वन इधर आ जाएगा, ये वन इधर आ जाएगा, ये वन इधर आ जाएगा, और ये जीरो जो है इधर आ जाएगा। तो दो लेफ्ट शिफ्ट के बाद आपके पास जो वैल्यू होगी वो 1110 होगी, और अगर सिर्फ एक लेफ्ट शिफ्ट किया था तो आपके पास वैल्यू 0111 आ जाएगी। तो ये लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन होता है कि आपने हर बिट को एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट थी उसको आप वापस राइट मोस्ट की जगह पे ले आएंगे, जो कि इधर हमने किया। एनीवे, मूविंग ऑन, यहां पे आप क्या करेंगे कि राइट ब्लॉक लेंगे, राइट हाफ लेंगे, लेफ्ट हाफ लेंगे, उनको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे दोनों को उस इस टेबल के मुताबिक कि एक दफा करना है कि दो दफा करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे आप कंकेटिनेट कर देंगे, कंकेटिनेट का मतलब है कि जोड़ देंगे, यानी आपने स्प्लिट किया था ना, राइट ब्लॉक बना दिया, लेफ्ट ब्लॉक बना दिया, अब फिर उन्हें जोड़ के आपके पास 56 बिट का एक बड़ा सब की आ जाएगी, पर ये अभी इंटरमीडिएट सब की है, ये फाइनल सब की नहीं है, और ये एक राउंड की है। अगले राउंड में क्या होगा कि राउंड वन के जो आर वन और एल वन था वो राउंड टू में फीड किया जाएगा, फिर राउंड टू उसे फर्दर लेफ्ट शिफ्ट करके कंकेटिनेट करेगा, और इस तरीके से प्रोसेस रिपीट की जाएगी ताकि हर राउंड में आपको एक इंटरमीडिएट सब की मिल जाए। अब उस इंटरमीडिएट सब की के साथ आपने क्या करना है, उस इंटरमीडिएट सब की के साथ क्या करना है कि आपके पास जो 56 बिट की सब की आई है उसे आपने परम्यूट करना है। और बाय द वे, ये अभी तक मैंने जितने भी परम्यूटेशन के टेबल शो किए हैं ये हर दफा यही हो, यानी ये वेल नोन है कि की पे पहली परम्यूटेशन करनी है तो एक खास टेबल यूज होगा, टेक्स्ट की पहली परम्यूटेशन करनी है तो एक फिक्स टेबल है वही हमेशा इस्तेमाल होगा, सब की राउंड वन के लिए परम्यूटेशन है तो आपकी ये टेबल इस्तेमाल होगा, ठीक है। इट्स नॉट कि की की बेसिस पे टेबल चेंज हो जाएगा, टेबल ये वेल नोन है और हमेशा ये इस्तेमाल होता है, और हर स्टेप के लिए एक डिफरेंट टेबल इस्तेमाल हो सकता है, वो मैंने शो कर दिया कि कौन कौन से टेबल हैं, वो स्लाइड पे मैंने ड्रॉ कर दिया। एनीवे, तो जो आपकी 56 बिट की सब की हर राउंड के एंड पे आ रही है
उसे अब आपने दोबारा परम्यूट करना है यूजिंग दिस टेबल, ठीक है। और ये टेबल सिर्फ परम्यूटेशन नहीं कर रहा, ये फर्दर कंप्रेशन भी कर रहा है, यानी 50 इस टेबल के अंदर सिर्फ 48 वैल्यूज हैं, 48 सेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सब की 56 बिट्स की थी, जब उसे परम्यूट करेंगे आप यूजिंग दिस टेबल, तो उसमें से कुछ बिट्स हैं जो कि इग्नोर हो जाएंगी और एंड पे आपके पास सिर्फ 48 बिट्स आ जाएंगे। तो ये 48 बिट्स जो है ये उस राउंड की सब की है, और हर राउंड के लिए एक अलग 48 बिट की सब की जनरेट होगी। तो बेसिकली क्योंकि 16 राउंड होते हैं, तो इसलिए डेस्क में 16 डिफरेंट सब कीज जनरेट होती हैं। ये जो है हमारी अभी तक जो डिस्कशन है उसकी समरी। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके पास एक की है जो कि 64 बिट की है, आप उस पर एक परम्यूटेशन टेबल अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो रीऑर्डर हो जाती है और उसमें से सिर्फ 56 बिट्स बच जाती है। अब आपने क्या किया है, राउंड वन में इन 56 बिट को स्प्लिट किया है इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है। अब उन दोनों हाफ को आपने शिफ्ट लेफ्ट करना है। कितना शिफ्ट लेफ्ट करना है, तो वो ये टेबल बता रहे हैं कि अगर राउंड 1, 2, 9 या 16 है तो आप 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, और बाकी कोई और राउंड है तो फिर आप 2 दफा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इन दोनों लेफ्ट शिफ्ट का जो रिजल्ट है, एक तो वो अगले राउंड को फीड कर दिया जाएगा ताकि अगला राउंड जो है वो अपने मुताबिक उसे शिफ्ट लेफ्ट कर सके, और दूसरा क्या काम होगा कि इन दोनों की आउटपुट को कॉन्केटिनेट किया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा ताकि एक 56 बिट का की बन जाए, फिर उसे कंप्रेस और परम्यूट किया जाएगा, यानी पी बॉक्स जो है, कंप्रेशन पी बॉक्स जो है वो उसका रीऑर्डर करेगा और उसमें से कुछ बिट्स जो है वो इग्नोर कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ताकि एंड रिजल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 48 बिट्स हो। और ये 48 बिट जो है ये राउंड वन की सब की है जो इस्तेमाल होगी, फिर इसी तरीके से राउंड टू की सब की होगी, राउंड थ्री की, और फाइनली राउंड 16 जो है उसकी भी सब की जनरेट हो जाएगी यूजिंग दिस सेम अप्रोच। एनी क्वेश्चन क्लास, ये की जनरेशन क्लियर होनी चाहिए, कुछ सवाल है तो पूछे वरना लेट्स मूव ऑन। नो सर। ऑलराइट, ठीक है। तो फिर अगला जो पार्ट है वो अब है आपने डेस इंक्रिप्शन करनी है, यानी हम ये वाला काम कर चुके हैं कि आपने एक 64 बिट की से पहले 56 बिट की जनरेट की, और फिर उसे इस्तेमाल करते हुए आपने हर राउंड के लिए एक अलग 48 बिट की इस्तेमाल कर लिया है। अब हर राउंड के अंदर क्या होगा, अब हम उसकी डिटेल देखते हैं। तो डेस में इंक्रिप्शन के लिए क्या होगा कि सबसे पहले जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको आपने स्प्लिट करना है इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स ईच ऑफ साइज 64 बिट्स। फिर आप क्या करेंगे, पहले ब्लॉक पे आ जाए, बाकी ब्लॉक्स को इग्नोर कर दें। पहला जो 64 बिट्स का ब्लॉक है उसे आपने परम्यूट करना है यूजिंग दिस टेबल, और इसे आईपी टेबल भी कहते हैं, यानी इनिशियल परम्यूटेशन टेबल, ठीक है। ये टेबल बेसिकली क्या कर रहा है कि जो शुरू ब्लॉक, जो प्लेन टेक्स्ट का पहला जो प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है 64 बिट का, ये उसको परम्यूट कर रहा है। और परम्यूटेशन का वही तरीका है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो 50 ओरिजिनल ब्लॉक में जो 58th बिट है वो परम्यूटेशन के बाद पहली बिट बन जाएगी, ओरिजिनल ब्लॉक में जो 50th बिट है वो परम्यूटेशन के बाद दूसरी बिट बन जाएगी। और यहाँ पे बाय द वे कोई कंप्रेशन नहीं हो रही, जो 64 बिट्स हैं वही 64 बिट सारी की सारी परम्यूटेशन के बाद भी अवेलेबल होगी, उनमें से कोई ड्रॉप नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इनिशियल परम्यूटेशन टेबल है। और बाय द वे जो डायग्राम में हमने देखा था कि एक इनिशियल परम्यूटेशन है और सबसे एंड पे फाइनल परम्यूटेशन भी है, तो फाइनल परम्यूटेशन जो होती है वो इस परम्यूटेशन टेबल का बिल्कुल इनवर्स है या बिल्कुल ऑपोजिट है,
यानी यहाँ पे अगर 58th बिट पहली जगह पे आ रही है तो उस टेबल में पहली बिट 58th जगह पे जा रही होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इनिशियल परम्यूटेशन और फाइनल परम्यूटेशन होगी। आगे आ जाए, अब हर राउंड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, तो आपके पास जो परम्यूटेशन के बाद 64 बिट्स आई हैं, अब आपने उन्हें स्प्लिट करने हैं इनटू टू हाफ, एक लेफ्ट हाफ है एक राइट हाफ है। जो राइट हाफ है, पहली बात तो ये है कि वो राइट हाफ एज इज विदाउट एनी चेंज वो अगले राउंड में लेफ्ट हाफ बन जाएगा, यानी राउंड वन का जो आर है राइट बिट्स हैं वो राउंड टू की लेफ्ट हाफ वाली बिट्स बन जाएंगे। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आपका जो राइट वाला हाफ है ये एक राउंड फंक्शन के अंदर भी फीड हो रहा है, और इसके साथ साथ राउंड फंक्शन जो है उसके अंदर जो उस राउंड की सब की थी वो भी फीड होगी। ये दोनों चीजें जब फीड हो जाएंगी तो राउंड फंक्शन एक आउटपुट देगा, ठीक है। उस आउटपुट के साथ क्या होगा, वो आउटपुट लेफ्ट हाफ वाली जो बिट्स थी उनके साथ एग्जॉर किया जाएगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो अगले राउंड की राइट वाला हाफ बन जाएगा। और फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो हमने अभी बात नहीं की, ठीक है। तो उस पर आप बात करते हैं। तो बेसिकली राइट वाला तो आपको पता लग गया है कि राइट वाला हाफ जो था वो एज इज अगले राउंड का लेफ्ट वाला हाफ बन जाएगा, पर जो लेफ्ट वाला हाफ था उन बिट्स के साथ हमने क्या किया, तो क्लास उसमें क्या हो रहा है कि वो जो 32 बिट्स हैं, जो लेफ्ट वाली 32 बिट्स हैं, वो सबसे पहले एक परम्यूटेशन बॉक्स के थ्रू परम्यूट की जाएंगी और एक्सपैंड की जाएंगी। एक्सपैंड का क्या मतलब है कि 32 बिट्स की इनपुट थी तो आउटपुट जो है वो 48 बिट्स की हो जाएगी और परम्यूट होगी यानी रीऑर्डर हो जाएगी। तो पहला सवाल तो ये कि 32 बिट्स को आप 48 बिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आप ये टेबल देखें और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पहले रो में जो आखिरी दो बिट्स हैं 4 और 5 वो अगले रो में भी रिपीट हो रही है, फिर दूसरे रो के जो आखिरी एलिमेंट्स 8 और 9 है वो तीसरे रो में रिपीट हो रहे हैं। इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जो ओरिजिनल 32 बिट्स थी उनके अंदर जो चौथी बिट है, ठीक है, वो चौथी बिट परम्यूटेशन के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं बिट बनेगी, 6, 7 और 7वीं बिट बनेगी। तो आपको नजर आ रही है कि डुप्लीकेशन हो गई है, यानी अभी तक जो हमने टेबल किए थे उनमें या तो एग्जैक्ट 1-to-1 मैपिंग थी यानी 64 एलिमेंट है तो 64 ही परम्यूटेशन के बाद होंगे, या फिर कम मैपिंग थी कि अगर 64 एलिमेंट ओरिजिनल है तो मैपिंग के बाद 56 रह जाएंगे बाकी इग्नोर हो जाएंगे, या पे हम उल्टा कर रहे हैं कि 32 से कम नहीं कर रहे, 32 से ज्यादा कर रहे हैं। तो ज्यादा करने के लिए फिर आपको इग्नोर नहीं करना होता, आपको रिपीट करना होता है, यानी पिछले केस में हम इग्नोर कर रहे थे कि कुछ बिट्स जो है वो हमने डिलीट ही कर दी है, यहाँ पे हम कोई भी बिट डिलीट नहीं कर रहे हैं, सारी इंक्लूड कर रहे हैं, और कुछ को हम मल्टीपल टाइम इंक्लूड कर रहे हैं, यानी 4 और 5 मल्टीपल टाइम इंक्लूड हो रही है, 8 और 9 दो दफा इंक्लूड हो रही है, 12 और 13 दो दफा, 16, 17 दो दफा, 20, 21 दो दफा, 24, 25 दो दफा, 28, 29 दो दफा, और 32, 31 भी दो दफा, यानी स्टार्ट पे 32, 1 और यहाँ पे 32, 1। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल 32 बिट्स थी परम्यूटेशन के बाद एक तो वो रीऑर्डर हुई है और दूसरा उनका नंबर भी बढ़ गया, वो 32 से 48 बिट्स हो गई है। तो ये पहला स्टेप है। अगला स्टेप क्या है, जो राउंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या है कि उन 48 बिट्स को आपने उस राउंड की जो सब की थी 48 बिट्स की उसके साथ एग्जॉर करना है।
और उस एक्सोर का जो रिजल्ट होगा वो भी 48 बिट्स ही है। अब आपने क्या करना है कि उन 48 बिट्स को आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने हैं ऑफ 6 बिट्स ईच, यानी 48 बिट्स हैं, 6 बिट की आपने ब्लॉक बनाए तो कितने ब्लॉक बने, 6 8 48, 8 ब्लॉक बने। तो आपने फिर अगले स्टेप पे आपके पास 8 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस होंगे। पहली 6 बिट्स जो थी उन 48 बिट्स में से वो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स 1 को फीड की जाएगी, अगली 6 बिट्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स 2 को फीड की जाएगी, अगली 6 बिट्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स 3 को फीड की जाएगी, और इस तरीके से जो आखिरी 6 बिट्स थी वो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स 8 को फीड की जाएगी। और ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्स क्या कर रहे हैं, ये 48 बिट्स ले रहे हैं और उसके बाद उसे परम्यूट नहीं कर रहे हैं, रीऑर्डर नहीं कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, यानी ये अब सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये परम्यूटेशन नहीं हो रही। अभी तक जितने भी स्टेप्स थे वो परम्यूटेशन थे यानी रीऑर्डरिंग, अब जो स्टेप आए वो सब्स्टिट्यूशन कह के एक वैल्यू को आपने किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आपके पास बिट्स आएंगी वो 32 बिट्स होंगे। इन 32 बिट्स को दोबारा आप परम्यूट करेंगे यूजिंग अ पी बॉक्स, और वो जो 32 रीऑर्डरिंग के बाद जो 32 बिट्स बनेगी वो आपका राउंड 1 की आउटपुट है। अभी हमने सिर्फ राउंड 1 नहीं किया, अब राउंड 1 की जो ये वाली आउटपुट है ये राउंड 2 की राइट हाफ वाली बिट बनेगी, और जो राइट हाफ वाली राउंड 1 की राइट हाफ वाली बिट थी वो राउंड 2 में लेफ्ट हाफ वाली बिट बनेगी। तो बेसिकली हर राउंड में आप स्वैपिंग भी कर रहे हैं कि पहले राउंड का लेफ्ट हाफ दूसरे का राइट हाफ बनेगा, पहले का राइट हाफ दूसरे का लेफ्ट हाफ बनेगा, फिर दूसरे का राइट हाफ तीसरे का लेफ्ट बन जाएगा, और दूसरे का लेफ्ट हाफ तीसरे का राइट हाफ बनेगा। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से आप डिफ्यूजन और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, सर जो जो हम उसके करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के बाद सर कौन सा स्टेप करना है, हम हमने 8 बॉक्सेस कर ली हैं सब्स्टिट्यूशन की भी मैंने बात की है, अभी दोबारा ठीक है सब्स्टिट्यूशन जो 8 बॉक्सेस बनाए हैं सर हमने, क्या जो 8 बॉक्सेस सर हमने बनाए हैं उसके बाद सर जब 32 बिट्स हो गई हैं उसके बाद सर हम क्या करेंगे? अच्छा एस बॉक्सेस के बाद 32 दोबारा उन्हें परम्यूट करें और उसके बाद जो 32 बिट्स आएंगी वो बेसिकली अब अगले राउंड में राइट वाली बिट्स बन जाएगी, यानी हमने लेफ्ट वाली बिट्स ली और इस पे राउंड फंक्शन के साथ एग्जॉर्ब किया, इसकी जो आउटपुट है वो अब अगले राउंड में राइट हाफ बनेगा, और जो राइट वाली बिट्स थी वो अगले राउंड में लेफ्ट हाफ बन जाए, और ये हर राउंड में रिपीट होगा। ठीक है क्लियर है? यस। और सब्स्टिट्यूशन बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है उस पे हमने बात नहीं की है, वो भी करते हैं जहां तक चले। और बाय द वे जो सब्स्टिट्यूशन जो आखिरी जो 32 बिट्स को आपने दोबारा परम्यूट किया है तो उसके लिए एक फर्क टेबल इस्तेमाल होता है जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी पहला वाला टेबल जो ड्रॉ किया था इस स्लाइड पे वो 32 बिट से 48 बिट वाला एक्सपेंशन पी बॉक्स था, ये जो दूसरा टेबल मैंने ड्रॉ किया ये सिंपल परम्यूटेशन है, इसमें ना कोई एक्सपेंशन हो रही है ना कंप्रेशन हो रही है, 32 बिट्स अंदर आ रही है और 32 बिट्स ही बाहर निकलेंगी पर रीऑर्डर। और मैं फिर कह दूं कि ये टेबल जो है यही टेबल इस्तेमाल होता है, चाहे मैं इंक्रिप्शन कर रहा हूं चाहे आप कर रहे हैं चाहे कोई तीसरा बंदा कर रहा है, टेबल यही इस्तेमाल होंगे। फर्क क्या होगा, जो ओरिजिनल की है वो हम सारों की फर्क होगी। ठीक है ऑलराइट, तो अगला सवाल है कि सब्स्टिट्यूशन बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, यानी पिछली स्लाइड में मैंने आपको शो किया है कि 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या हो रहा है, तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बॉक्स 1 का एग्जांपल लेंगे
आपको पता होना चाहिए कि बाकी 7 जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं वो उनकी वैल्यूज फर्क होंगी, पर जो रूल्स हैं जो ऑपरेशन वो रन कर रहे हैं वो ऑपरेशन यही होगा जो कि अभी मैं आपको S1 के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ S1 का एग्जांपल दूंगा, पर आप जो है बाकी सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस को भी नेट पे जाके देख सकते हैं, काम यही होगा। ऑलराइट, तो करना क्या है, सबसे पहले आपके सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में जो 6 बिट्स इनपुट हुई हैं, उन 6 बिट्स की पहली और आखिरी बिट जो है उसको आप लें, यानी पहली और आखिरी क्या वैल्यूज हो सकती है, या तो 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। तो ये जो 2 बिट्स हैं ये बेसिकली आपका रो स्पेसिफाई करेगी, यानी अगर 0 0 है तो पहला रो है, 0 1 वैल्यू थी तो अगला रो, 1 0 है तो उसके अगला रो, और 1 1 है तो आखिरी रो। ठीक है, तो पहली और आखिरी बिट्स जो है वो आपका रो स्पेसिफाई करेगी, और जो बीच वाली 4 बिट्स हैं वो बेसिकली स्पेसिफाई करेगी कि कॉलम कौन सा है। यानी 4 बिट्स का मतलब है कि आपकी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक हो सकती है, यानी 0 से 15 तक वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसलिए आपके 0 से लेके 15 तक कॉलम है, उनमें से कोई एक कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यानी यहीं पे अगर आप देखें तो अगर वैल्यू 0 0 0 0 है तो वो पहला वाला कॉलम है, अगर वैल्यू 0 0 0 1 है तो अगला कॉलम है, 0 0 1 0 है तो वो उससे अगला कॉलम है, और इस तरीके से आपके पास आखिरी जो कॉलम है वो 1 1 1 1 होगा। ऑलराइट, इसका एक एग्जैक्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो इनपुट थी एस बॉक्स में, जो इनपुट आई है वो 0 1 1 0 1 1 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पहली बिट लें 0, उसके बाद आप इसकी आखिरी बिट लें 1, तो क्या नंबर आया 0 1। 0 1 कौन सा रो है, ये वाला सेकंड रो है। ये आपको पहला रो हो गया। ठीक है, अब बीच में क्या बिट्स बची हैं, 1 1 0 1, ये बीच वाली बिट्स है, तो 1 1 0 1 जो है वो बाइनरी जो डेसिमल वैल्यू इक्विवेलेंट हुआ है 13, यानी ये वाला कॉलम। अब आपने क्या करना है कि एस बॉक्स की जो इनपुट थी वो 0 1 1 0 1 1 थी, और उसकी जो आउटपुट होगी वो ये नंबर होगा, ये नंबर 5 है, ये नंबर 5 है, तो 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 0 1 0 1। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपका जो भी इनपुट है उसकी पहली और आखिरी बिट जो है वो रो स्पेसिफाई करेगी, बीच वाली 4 बिट्स कॉलम स्पेसिफाई करेंगी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो बाइनरी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा एस बॉक्स। तो यानी अगर इनपुट 0 1 1 0 1 1 थी तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 1 0 1 हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपका सब्स्टिट्यूशन बॉक्स कर रहा है, दैट्स इट। 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं, तो दैट मीन के 8 डिफरेंट ये ऑपरेशन रन होंगे। पहली 6 बिट्स पे S1 रन होगा, अगली 6 बिट्स पे S2, उससे अगली 6 बिट्स पे S3 एंड सो ऑन, आखिरी 6 बिट्स पे जो है वो S8 रन होगा। ठीक है, और क्योंकि हर बॉक्स की आउटपुट जो है वो 4 बिट्स है, तो 8 बॉक्सेस का मतलब है कि 8 × 4 32 बिट्स आपकी आउटपुट हो जाएगी। एनी क्वेश्चन कास? इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। ठीक है,
इसके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करें कि लेट सपोज आपकी जो इनपुट थी लेट सपोज ये 6 बिट्स हैं, आपकी आउटपुट क्या होगी? हाँ जी वॉलंटियर्स, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है? सर रो 3 आ जाएगी, 2 सर रो 2 होगी, यानी नंबर 2 है, नंबर 2 है रो 3 है सर। बल्कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्लास 1 0 है ना जी सर, तो पहली रो 0 0 है, उसके अगली रो 0 1 है, उससे अगली रो 1 0 है, यानी ये वाली रो ये आपकी रो होगी। ओ सर कॉलम क्या होगा? 3 सर, 0 0 1 1, अगर आपको बाइनरी में काउंटिंग आती है तो बेसिकली सर, ये कॉलम वन ठीक है, ये कॉलम नंबर 3 है, कॉलम 0 होता है, फिर कॉलम 1 होता है, फिर कॉलम 2 होता है, 1 1 1 1 बाद कॉलम 3 होता है, 0 0 1 1 कॉलम 3 है। तो इंटरसेक्शन पे क्या चीज है? 8 आ गई सर, 8 है, तो 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 0 1, नहीं एक मिनट सर, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो अगर इनपुट ये थी ना, इनपुट अगर एक्सबॉक्स में ये इनपुट थी तो आउटपुट जो है ये 4 बिट्स होंगे, ठीक है, ये सारा एस बॉक्स का कॉन्सेप्ट है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है फाइस्टर स्ट्रक्चर जो हमने पिछली क्लास में किया था ये उसे फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट हाफ जो है वो अगले राउंड में राइट हाफ बन जाएगा, राइट हाफ जो है वो अगले राउंड में लेफ्ट हाफ बन जाएगा, उस पर सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है, उस पर परम्यूटेशन भी हो रही है, हर राउंड के अलग सब की भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये बेसिकली उसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है और मच बेसिकली एक सिक्योर एडवर्जन, ठीक है। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑल राइट, अब अगला पॉइंट ये है कि क्या डेस्क स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है, ये सवाल है। तो पहली बात तो ये आ जाती है एवलांच इफेक्ट, कि जब भी आप किसी इनक्रिप्शन एल्गोरिदम की सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं तो एक चीज आप डिस्कस करते हैं कि आया ये एवलांच इफेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं कि नहीं। एवलांच होता क्या है? एवलांच बेसिकली आपने सुना होगा एक बर्फानी तोदा के पहाड़ी के ऊपर थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, थोड़ी सी बर्फ गिरी, वो बर्फ गिरते गिरते और बर्फ को इकट्ठा करती गई और इवेंचुअली एक इतना बड़ा बर्फानी तोदा बना जो कि पूरे के पूरे गांव को जो है दफना देता है। तो ये एवलांच होता है इंग्लिश में। क्रिप्टोग्राफी में जब एवलांच इफेक्ट की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी इनपुट या की में से कोई एक बिट भी आपने चेंज कर दी है तो आपका जो साइफर है उसमें जो आउटपुट इंक्रिप्शन है, जो जो साइफर टेक्स्ट आउटपुट हो रहा होगा उसमें आपकी 50% बिट चेंज हो जानी चाहिए। यानी एक बिट चेंज करने से अगर आपकी 50% बिट्स आउटपुट चेंज हो जाती है तो अब रिलेशनशिप जो फाइंड करनी थी आपने कि की और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही छुप जाती है। एक्सओआर साइफर में सबसे बड़ा मसला क्या था कि आपको एग्जैक्ट पता था कि ये बिट है की और ये साइफर टेक्स्ट की सॉरी प्लेन टेक्स्ट की कौन सी वाली बिट के साथ एक्सओआर हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह की आप कोई चीज गेस कर ही नहीं सकते। एक बिट चेंज होती तो आपकी आधी आउटपुट बदल जाती तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी बिट चेंज हुई है। यानी बहुत ज्यादा रैंडमनेस आपके सिस्टम में आ जाती है। जितनी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी उतना ज्यादा आसान हो जाता है गेस करना। यानी एक्सओआर साइफर में आपको पता था कि ये बिट की है, ये बिट प्लेन टेक्स्ट की है, इनको जब आपने साइफर किया, इनको जब एक्सओआर किया है तो ये आपका साइफर टेक्स्ट की बिट निकली है। इस केस में आपको ये चीज पता करना बहुत मुश्किल है। यानी आप अंदाजा करने की कोशिश करेंगे कि चलो ये बिट मैं चेंज करता हूँ
देखते हैं कि इस एक बिट को चेंज करने से आउटपुट में कौन सी बिट चेंज हुई है, तो मुझे फौरन पता लग जाएगा कि वो वाला जो है आपका, यानी आपको भी पता लग जाएगा कि कौन सी बिट चेंज हुई है, कौन सा साइफर था, कौन सा की था। इस केस में क्या हो रहा है, एक बिट चेंज करते हैं तो 50% बिट चेंज हो जाती है, तो अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ओरिजिनल टेक्स्ट में कौन सी बिट चेंज हुई थी। तो ये अंदाजा जो लगाने वाली बात थी, इसका जो चांस है वो अब खत्म हो गया। तो एवलांच इफेक्ट होते हैं कि एक बिट चेंज करने से अगर 50% बिट्स आपके आउटपुट की चेंज हो जाती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग साइफर है। उसमें अब गेस करना कि कौन सी की ने किस प्लेन टेक्स्ट को चेंज किया वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और डेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एवलांच इफेक्ट डिस्प्ले करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया, पर नेट पे वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे आप डेस्क का एवलांच इफेक्ट जो है वो एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं। वो आपको शो करते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कौन सी बिट चेंज करना चाहेंगे, और फिर वो आपको बताते हैं कि आउटपुट में से कौन कौन सी बिट चेंज होगी है, तो वो आप देखने लग जाते हैं, ठीक है। और अगली बात है कि डेस्क की जो की है वो स्ट्रांग है कि नहीं, यानी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम तो स्ट्रांग है, उसे जो एक्सपेक्टेड था वो उसने किया है, पर आया डेस्क की की स्ट्रांग है कि नहीं। तो क्लास डेस्क जो है वो 70s में प्रपोज हुआ था, ठीक है, और 56 बिट की का मतलब है कि देर आर 2 to the power 56 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी 7.2 × 10^16 डिफरेंट की वैल्यूज हो सकती हैं। 1970 में अगर आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं कि ये सारी वैल्यूज को आप एक्सप्लोर करें, तो उसमें आपको एक इतना ज्यादा टाइम लगना था कि वो इनफीजिबल हो जाता है। तो अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहें कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखें कि कौन सा डिक्रिप्ट करता है, तो 70s में तो पॉसिबल नहीं था। मसला क्या है कि आजकल के जमाने में इट इज वेरी इजी टू ब्रूट फोर्स 56 बिट्स, यानी आपके देखिए 70s में आपके पास जो मेन फ्रेम होता था, आजकल आपका मोबाइल फोन में उससे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है, आपकी जेब में फिट आ जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने बस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है, जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर आपकी इंक्रिप्शन ब्रेक होगी वही आपकी की है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास एक ही मशीन है जो कि स्लो है, तो फिर आप एक और ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। वो क्या होता है कि रादर देन एक मशीन इस्तेमाल करने के, आप मल्टीपल डिफरेंट मशीन इस्तेमाल करें इस ब्रूट फोर्स अटैक के लिए। यानी आप फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं, आप करते हैं कि पहली मशीन जो है उसके ऊपर वो सारी की कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है जो कि स्टार्ट होती है विद 0001, दूसरी मशीन जो है उसके ऊपर आपने वो सारी की कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है विच स्टार्ट विद 001, तीसरी मशीन है उस पर आपने वो सारी कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है विच स्टार्ट विद 010, उससे अगली मशीन पे जो कीज होंगी वो 011 से स्टार्ट होती होंगी। तो आपको नजर आ रहा है कि पहले अगर एक काम, सारे का सारा काम एक ही मशीन ने करना था तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अब अगर आपके पास मल्टीपल मशीन है और हर मशीन इन पैरेलल सिर्फ और सिर्फ अपने सबसेट ऑफ द कीज को ट्राई कर रही है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। क्योंकि देखें ये नहीं हो रहा कि एक मशीन पहले ट्राई करेगी, वो जब फारिग हो जाएगी उसके बाद दूसरी मशीन की बारी आएगी, नहीं, आपने शुरू में सारी मशीन को बता दिया, शुरू में सारी मशीन को आपने बता दिया कि तुमने किस किस की को ट्राई करना है, अब वो इन पैरेलल साइमल्टेनियसली वो अपनी अपनी कीज को ट्राई करी जाएगी, और जैसे उनमें से किसी एक मशीन के पास रिजल्ट आ जाता है तो वो बाकी सारी मशीन को भी बता देगी कि ये की थी जो हमने ट्राई की है और ये चल गई है, तो फिर बाकी जो है वो भी उसी की को इस्तेमाल कर लेंगे फिर, ठीक है। तो ये मसला है कि डेस्क जो है वो वीक है, ब्रूट फोर्स एक मशीन पे भी किया जा सकता है और अगर मल्टीपल मशीन पे करें तो वो तो और ज्यादा सख्त हो जाता है। तो इस वीकनेस को एड्रेस करने के लिए ट्रिपल डेस्क प्रपोज हुआ था। ट्रिपल डेस्क क्या करता है ये डेस्क का एल्गोरिथम है, पर इसमें एक की बजाय दो बिट कीज इस्तेमाल हो रही है 56 बिट की,
ठीक है, आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, आप पहले उसे इनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग द फर्स्ट की, ठीक है, उसके इनक्रिप्शन के बाद जो आपके पास साइफर टेक्स्ट आया है उसे आप डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग द सेकंड की। अगर पहले की के साथ डिक्रिप्ट किया होता तो वो तो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट ही आ जाना था ना, तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरी की से डिक्रिप्ट कर रहे हैं ताकि डेटा जो है वो फर्दर स्क्रैम्बल हो जाए, और इस स्टेप की जो आउटपुट होगी तीसरे स्टेप में आप इसको दोबारा इनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग द फर्स्ट की, और इसकी जो आउटपुट होगी वो फाइनल साइफर टेक्स्ट होगा। यानी पॉइंट समझ आया कि आपने ब्लॉक लिया है, पहले उसे फर्स्ट की वन के साथ इनक्रिप्ट किया है, फिर की टू के साथ डिक्रिप्ट किया है, फिर की वन के साथ इनक्रिप्ट किया है, और उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आया वो आपका साइफर टेक्स्ट है। और इफेक्टिवली आपकी की लेंथ इन दिस केस क्या है, सिंपल डैश था उसमें की लेंथ 56 बिट्स थी, जहां पे आपने दो कीज इस्तेमाल की हैं तो आपकी की लेंथ जो है वो इफेक्टिवली 112 हो गई है। तो अगर 112 की लेंथ है तो आपका जो रिजल्टेंट की स्पेस है यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो 2 to the power 112 हो जाता है, और 2 to the power 112 जो है ये एक सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर है, इसको ब्रेक करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चन? तो ये लास्ट वाला सर दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली आपने डेस्क को की वीकनेस को एड्रेस करना है, और डेस्क की वीकनेस क्या है कि उसमें जो की लेंथ है वो इतनी छोटी है कि उसे आप ब्रूट फोर्स के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं। यस सर। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक की बजाय दो कीज इस्तेमाल की है, एक की 56 बिट की थी तो दो कीज कितने बिट की हो गई, 112 की हो गई, 112 बिट्स। Yes. और आपने इंक्रिप्शन कैसे करनी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप प्लेन टेक्स्ट लें की वन के साथ उसे इंक्रिप्ट कर दें, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे की टू के साथ डिक्रिप्ट कर दें, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे की वन के साथ इंक्रिप्ट कर दें, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी फाइनल इंक्रिप्शन है। और क्योंकि इफेक्टिवली आपकी की लेंथ जो है वो 112 है, तो अगर 2 to the power 112 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को आप ट्राई करने बैठ जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू द सिनेरियो वेयर योर की लेंथ वाज ओनली 56 बिट्स। ओके, और ये किसी ने, ये दानियाल ने मैसेज किया है कि फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाएंगे टू ब्रेक इनक्रिप्शन। यस, ये एक काफी सीरियस प्रॉब्लम है कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो जैसे ही आपकी वाइड स्प्रेड हो जाती है वो, यानी फिजिबल एक मशीन आप बना लेते हैं, तो उसके ऊपर इन कीज को ब्रेक करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो बाद में डिस्कस किया जा सकता है, पर यस इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि हम जो अभी बात कर रहे हैं वो सिर्फ करंट सिनेरियो में वर्क करती है, कल को अगर कोई आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई तो ये सारे एल्गोरिथम जो है ये फेल हो जाएंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन क्लास या एनी अदर ऑब्जर्वेशन? नो सर। ऑलराइट देन, थैंक यू, टेक केयर, हाफिज़ सर।